वेलकम टू अवर यूट्यूब प्रोग्रामिंग। तो एक दिमाग में ये आ रहा है सवाल कि हम चैट जीपीटी जैसा कोड कैसे बना सकें, कि या फिर हम अपनी वेबसाइट बना सकें चैट जीपीटी जैसी, तो क्या हम बना सकते हैं कि नहीं, कि जो कि हम यूज़र इनपुट दे, क्वेश्चन पूछे तो उधर की साइड से आउटपुट आए। तो मैं कहूँगा कि हम बना सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ चैट जीपीटी एआई, तो बाय द यूजिंग ऑफ चैट जीपीटी एपीआई की। तो यहाँ पे मैंने एपीआई की डाल दी है और ये छोटा सा कोड है, तो ये पाइथन का कोड है। तो इसके काफ़ी सारे आप पीएचपी में भी आते हैं कोड, लेकिन मैंने पाइथन का कोड बनाया है। तो हम क्या करेंगे, तो पाइथन कोड करने के लिए मतलब हम वेबसाइट जैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो हम डीजैंगो यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश यूज़ कर सकते हैं, पाइस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए। तो हम इन तीन चीज़ का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे इस बैक एंड का कोड से, और फिर हम एक यहाँ पर टेक्स्ट है, जैसे ये टेक्स्ट वैल्यू है, जैसे हम अगर हम यहाँ पर रन करते हैं जैसे, तो यहाँ से टेक्स्ट इनपुट हो रहा है और एपीआई की हमने यहाँ पे लगा रखी, तो वो वहाँ से यूज़र इनपुट डालेगा मतलब टेक्स्ट के थ्रू, और यहाँ पे जाके सबमिट होगा, फिर ये एपीआई की वर्क करेगी, फिर यहाँ से आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीट रेस्पॉन्स मिल जाएगा। तो हम इसके थ्रू हम एक चैट जीपीटी स्मॉल अपना क्रिएट कर सकते हैं, एक वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी, जो कि ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चनों के आंसर देगा, यूज़र के क्वेश्चनों के आंसर देगा। तो ये पॉसिबल है बाय द यूजिंग ऑफ चैट जीपीटी एपीआई। तो अगर हम चैट जीपीटी रियल में बनाते हैं, तो उसके लिए तो हमें काफ़ी सारा ह्यूज डाटा भी चाहिए और फंडिंग वगैरह भी चाहिए, लेकिन हम एक स्मॉल प्रोजेक्ट बना सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ चैट जीपीटी एपीआई की, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो सकती है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पीएम ऑफ इंडिया, छोटा सा कोड है तो ये बताएगा कि कौन है पीएम ऑफ इंडिया, या फिर जो भी इसके अंदर डाटा है बाय यूजिंग एपीआई की, द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, ही हैज़ हेल्ड दिस पोजीशन सिंस 2014। तो मतलब यहाँ से हमें टेक्स्ट को कनेक्ट करना है अपने बस इससे, जिससे यहाँ पे इनपुट आए और एपीआई की हमें यहाँ पे डाल देंगे। तो एपीआई की क्रिएट कैसे करते हैं, तो बात करें तो एपीआई क्रिएट करने का यहाँ पे तरीका है, यहाँ पे एक ओवरव्यू वाली साइट है, तो यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है आपको लिंक में उसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पे व्यू पे जाके व्यू एपीआई की, और यहाँ से क्रिएट न्यू वन, यहाँ से जस्ट आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे बस इतना कोड पे रिप्लेस कर देना है। तो ये मैं आपको कंप्लीट कोड आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड इट इज़ हेल्पफुल, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।